हमीरपुर शिव मंदिर परिसर में सिरडी साईं सेवा समिति द्वारा बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता सिरडी साईं सेवा समिति की प्रधान सरिता गौतम ने की। बैठक में समिति के सभी सदस्यों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। समिति के कार्यक्रमों को लेकर चर्चा की गई, जिसमें सभी ने अपने अपने विचार रखे। बैठक में सर्वसहमति से निर्णय लिया गया कि साईं संध्या का आयोजन किया जाएगा, जिसमें पंजाब से कलाकारों को साईं गुणगान के लिए बुलाया गया है। सिरडी साईं सेवा समिति की प्रधान सरिता गौतम ने बताया कि समिति द्वारा बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें निर्णय लिया गया कि संध्या का आयोजन किया जाएगा। उन्हें बताया कि साईं बाबा को समाधि लिए हुए पूरे 100 साल होने के उपलक्ष्य पर साईं संध्या का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि साथ ही भंडारे का आयोजन भी किया जाएगा। जो मीटिंग रखी थी जी, तो हमारे ना 5 साल पूरे भी हो चुके हैं समिति के, और बाबा जी के इसके लिए हमारे 100 साल पूरे होने जा रहे हैं। बाबा जी समाये हुए दशहरे में पूरे 100 साल हो जाएंगे, तो उसके इसमें हमने समिति वालों ने आज नहीं है 1 नवंबर की रखी है डेट हमने, और बाबा जी के नाम का हमने ये सोचा कि सब भक्तों को थोड़ा सा अपने इसमें जो सहमति समिति वालों ने ली कि भंडारा भी करने जा रहे हैं। तो 1 नवंबर 2018 को हमारा 12 से 5 बजे तक स्कूल में इनके बॉयज स्कूल के ग्राउंड में भंडारा दे रहे हैं भक्तों सबके लिए, और शाम के टाइम साईं संध्या करवाने जा रहे हैं। 6 से लेकर 10 बजे तक साईं संध्या होने जा रहे हैं, जिसमें आज हमने ये बैठक की और सभी भक्तों की सहमति से इसके लिए हमने समिति की पूरी सहमति ले से ये फाइनल किया कि हम लोग ये बाबा साईं संध्या और भंडारा करने जा रहे हैं।